ऑप्शन सी है, शेप में ले लिया थोड़ा थोड़ा से, और भी है बाउल में, गरम गरम हवा निकल रहा है। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ से, वीकेंड तो नहीं है, आज सैटरडे इवनिंग है। तो हम लोग जो रेस्टोरेंट में आते हैं ना, वही वाला रेस्टोरेंट में आए हैं, स्नेहा फूडलैंड। तो यहाँ आए हैं, कोई भी नहीं है, हम लोग खाली खाली है। देखने में एक झलक दिखा दूंगी, माइकल जैक्सन, कोई नहीं है, हम लोग ही है खाली। सभी बैठ रही हूँ, वेट कर रही हूँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है, और ऑर्डर में क्या है आपको जब आएगा मैं दिखा दूँगी। बहुत सिंपल सा ऑर्डर है, मैं और बेटा ही हूँ, तो हम दोनों जो हम लोग का फेवरेट है वही खाएंगे, इसके बाद चलते बनेंगे। तो अभी ऑर्डर कर दिया मैंने, अभी आया नहीं, तो आने के बाद हम लोग खाएँगे। देख कर इंजॉय कीजिए, खा कर इंजॉय करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो तो वैसे भी स्टार्ट हो चुका है, अभी बैठ के क्या करूँगी, अकेली हूँ तो टाइम पास करना पड़ेगा, तो आपको फिर साथ ही गपशप कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताइए कि जब सैटरडे इवनिंग होता है या वीकेंड होता है तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, और जाते हैं कि नहीं जाते वो भी बताइए, क्योंकि एक बार ना एक बार तो थोड़ा मतलब फैमिली के साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, फैमिली लोग फैलअप हो जाते हैं घर में बैठ बैठ के पढ़ाई कर करके, और जो हम लोग हाउस वाइफ होते हैं या जो भी जॉब करती हैं तो वो लोग भी मतलब पूरा दिन का जो हम लोग का ड्यूटी से शेड्यूल है उसको मेंटेन कर करके थक जाते हैं। तो लास्ट में हम लोग भी सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब माइंड को फ्रेश करके आए, थोड़ा सा खुद को भी फ्रेश कर लें, तो इसीलिए ये वीकेंड ज़रूरी है हर वर्किंग वूमेन के लिए, हर वर्किंग मैन के लिए, हर वो फैमिली के लिए जहाँ पे मम्मी पापा दोनों काम करते हों और बच्चे अलोन रहते हों, और बच्चे लोग जो बोरिंग हो जाते हैं तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं तो सोचती हूँ वीकेंड इज़ द बेस्ट, और जो भी मतलब आप जब भी समय निकालें तो बच्चों को ज़रूर लेंगे, एक घुमाइएगा इवनिंग टाइम को, या हो सके तो थोड़ा पार्क वार्क या पूल वूल स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट ऐसे में घुमा के खा पी के मस्त आसान है। हाँ पढ़ाई तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा बेटा, पढ़ाई तो बूढ़ा टाइम में भी नहीं ख़त्म होगा, जब मर जाएगा ना तभी पढ़ाई भी साथ चला जाएगा ऐसा, तो ऐसा है। पहले हम लोग को ये दिया गया है पानी, जो कि बहुत ही चिल है, और आजकल ये उत्पाद ज़्यादा है, इसका उत्पाद से दिखाएगा तुम्हारा कितना, हाँ दोस्त लोग को दिखा, सब्सक्राइबर को दिखाओ क्या हो गया इसका, ये देखिए और ये बनना सीखो, दिखाओ बोले ना, ये देखिए गाइस, अरे दिखाओ ना, ये देखिए उसका नाखून क्या कर दिया है, वो पूरा अभी ख़त्म होने हो गया, सब ठीक तो है, अभी निकल रहा है उसका नाखून, तो अदर से निकल रहा है, सब ठीक तो है। वो उसका बदमाश फिर भी ख़त्म नहीं होता है, वो इतना बदमाश करता है ना इतना शैतान, वो मतलब क्या किया था, एक बड़ा पत्थर से कुछ कुछ फोड़ रहा था उस रंग के, तो डायरेक्ट नाखून में मार दिया, तो इसलिए, और ये देखिए कभी पानी नहीं खाए इसलिए वो चाट रहे हैं, तो ऐसा हो गया ये नाखून में पूरा लग गया, और ये नाखून में लगने के बाद पहले तो काला हो रहा था, हम भी सोचा ऐसा ठीक हो जाएगा बोल के, उसके बाद दो तीन दिन का बाद देखा है तो ये नाखून ऐसा खुल गया पूरा, और डर तो होता ही है, मैंने कुछ ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया उसका, और बहन एक एंटीबायोटिक बोला था वो पिलाया दो तीन बार, इसके बाद तो अभी तक नहीं पिलाई हूँ, और उसको पूछा है तो दर्द नहीं होता ऐसा बोला, वो ऐसे बोलते हैं, अब एग्ज़ाम भी है इसी हाथ से लिखना है, तो वो इतना प्रेशर नहीं दे पाता इसमें, तो मैंने बैंडेड लेके रखी हूँ अभी, तो वो बैंडेड को लगाऊंगी उसको एग्ज़ाम का दिन में, बैंडेड बांध के भेजूंगी उसको। तो यही कि जो बदमाश है ना ये हर दिन बदमाशी करते रहेगा,
शांति वाला नहीं है, शांति माथा पूरा खत्म कर देता है। स्कूल में बच्चा लोग माथा खा देते हैं और ये घर में ये बदमाश करते हैं ना, बदमाशी करते हैं। और वहाँ भी पीले ज़्यादा है, ज़्यादा चील है। अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा होगा। और फ्रेंड्स ये शेप में ले लिया थोड़ा थोड़ा से, और भी है बाउल में। एक फूल मंगाया है, मैं दिखा देता हूँ। ये मुझे गरम गरम धुआं निकल रहा है, स्पाइसी भी है। तो फ्रेंड्स मजा है, कैसा है? स्पाइसी भी है। तो खा लेते हैं फ्रेंड्स अभी। तो खा लेते हैं फ्रेंड्स, ये है चटनी। वैसे ज़्यादा ऊपर थे वैसे अभी। तो फ्रेंड्स हम लोग खा लेते हैं। खा के खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। अभी खत्म कर रही हूँ फ्रेंड्स। हेलो, तो फ्रेंड्स अभी हो गया, हम लोग जाएंगे सेम ब्लॉक एंड नेक्स्ट डे। तो अभी आ रही हूँ ड्यूटी से न्यूज़ वाला, तो मैंने कल वक्त आधा में छोड़ दिया था, तो आज मैं इसको एंड करूँगी बोल के। आज का वेदर बहुत ही सुहाना वाला मौसम है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़ोर से बारिश होगा। बट इतना ज़ोर से तो बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, मीन्स क्या नहीं दे रहा है, बारिश ही नहीं हो रहा है। बट सुनने में आया है जो एडिटर है ना भाई, उसका बस्ती में तो पूरा ज़ोर से बारिश हो रहा है, और हम लोग का यहाँ पे सूखा सूखा। मैं मौसम दिखा रही हूँ आपको, ये ऐसा है वेदर। तो आप लोगों ने देख लिया कैसा मौसम है। उधर मेरा पुच्छुर साथ में, तो हम दोनों आ रहे हैं अभी घर की ओर जाएंगे। और मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ, और होप करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट ब्लॉग अगेन। बाय बाय।